दिस इज डॉक्टर रमन और आज हम बात करेंगे चौथे और पांचवें महीने में भी अबॉर्शन क्यों होता है। ये या तो मदर में कोई प्रॉब्लम होती है या बच्चे में कोई एनोमलीज मिलती हैं। माँ में क्या हो सकता है, उसकी बच्चेदानी की जो बनावट है वो ठीक नहीं है, जैसे यूनिकॉर्न्यूएट, बाइकॉर्न्यूएट, सेप्टेट यूट्रस, इसमें तीसरे महीने के बाद भी अबॉर्शन हो जाता है। अब उसके बाद बच्चेदानी को जैसे आपने कमरा मान लिया, अगर उस कमरे के बीच में एक दीवार आ जाती है उसको हम बोलते हैं सेप्टेट यूट्रस, तो इसमें अबॉर्शन की चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर मदर को डायबिटीज है जो कंट्रोल बिल्कुल नहीं हो रही है, या फिर कोई किडनी प्रॉब्लम है, क्रॉनिक किडनी डिजीज है, शुरू से ही किडनी प्रॉब्लम है, या इन्फेक्शंस है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, लिस्टेरियोसिस, सिफिलिस, और अगर उसकी बच्चेदानी के अंदर कोई गांठ है, फाइब्रॉइड, एंडोमेट्रियोसिस, बच्चेदानी के अंदर जाले बन गए हैं, इंट्रायूटराइन एडिशंस जिसे हम बोलते हैं, या फिर बच्चेदानी का जो मुंह है जिसको हम बोलते हैं सर्विक्स, वो बहुत ही वीक है, जो अंदर बच्चा नहीं रख पाता और बच्चा नीचे से अबॉर्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। तो इन कारणों की वजह से चौथे और पांचवें महीने में भी अबॉर्शन हो सकता है। ये अबॉर्शन ऐसे ही होता है जैसे आपकी डिलीवरी होती है, तभी हम इसको मिनी डिलीवरी बोलते हैं। अगर बच्चे में कोई दिक्कत मिलती है, जैसे उसको कोई एनोमलीज है, वो सही से नहीं जी पाएगा, कोई दिल में अगर कोई छेद है, या फिर डॉक्टर्स बता देते हैं कि आपका बच्चा सही नहीं रहेगा, तो पेरेंट्स ये डिसीजन ले सकते हैं अबॉर्शन का। तो इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, दे विल गिव यू मेडिकेशंस, जिससे आपकी जैसे डिलीवरी होती है वैसे दर्द आके ये बच्चा बाहर अबॉर्ट कर जाता है। अब इसके अबॉर्शन के बाद हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर माँ का जो ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव है, तो हमें एक एंटी डी देना पड़ता है इंजेक्शन, जो माँ के लिए बहुत जरूरी है ताकि उसके आगे वाले बच्चे बिल्कुल ठीक रहें। और चौथे और पांचवें महीने में दूध बनना शुरू हो जाता है, तो अबॉर्शन के बाद ये दूध भी हमें बंद करना पड़ता है, अदरवाइज आपकी ब्रेस्ट दूध से भर जाती हैं और आपको अनकंफर्टेबल फीलिंग हो सकती है। तो ये दोनों चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।